नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विंडो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि एफडीआई क्या होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आप 2014-15 मतलब हर साल के अंदर, 2-3 साल को छोड़ करके हर सारे साल के अंदर एक एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे क्वेश्चन है, ओवरव्यू बताइए एफडीआई का क्या है ना, रीजन बताइए क्या है एफडीआई लो होना, है ना, और कैसे सही किया जा सकता है, एफडीआई क्या होता है ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करिए, ट्रेंड क्या है एफडीआई के अंदर, क्या पॉलिसीज वगैरह है, इंपॉर्टेंस क्यों है ये इंडिया के अंदर, ओवरव्यू बताइए एफडीआई के ऊपर, ठीक है ना, परफॉर्मेंस क्या है इंडिया के अंदर, रीजन बताइए लो होने का क्या है और कैसे सही कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बताइए। तो ये सारा क्वेश्चन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, आर्गूमेंट बताइए एफडीआई के फेवर में, इंडिया कैसे एफडीआई से बेनिफिट कर सकता है ये बताइए, समझ रहे। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद जो आपका टॉपिक बनता है पूरे एफडीआई के अंदर जो पढ़ना है वो क्या है, सबसे पहला ब्रीफली डिस्क्राइब करिए कि एफडीआई होता क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सारा। सेकेंड वन इज ओवरव्यू। ओवरव्यू बताइए कि पूरे पीरियड आजादी से लेकर के अभी तक क्या एफडीआई का क्या है, क्या सिनेरियो है, कब ज्यादा कब कम। फिर आपका ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब आपका बिल्कुल नंबर से हम देखेंगे, ग्राफ से हम देखेंगे, टेबल से देखेंगे कि कितना कब ज्यादा हुआ कब कम हुआ, क्या रीजन था, इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी के ऊपर, एफडीआई होने का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है एफडीआई का और सॉल्यूशन क्या है एफडीआई का वो हम देखेंगे। एंड फिर पॉलिसी सजेशन, क्या आप इस ट्रेंड को बदलने के लिए जो लो अगर एफडीआई इंडिया के अंदर इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है आपको एफडीआई के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद एफडीआई का आप सारा चीज कवर कर लोगे, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है एफडीआई के अंदर। तो पहला चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज ब्रीफली डिस्क्राइब एफडीआई। तो एफडीआई होता क्या है, नाम में है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर किसी भी कंट्री, दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे होंगे, दैट इज फॉरेनर इन्वेस्ट इन एनी अदर कंट्री इन टू वे, दो तरीके से वो कर सकते। पहला तरीका है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई डायरेक्ट, दूसरा है दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो अगर कोई विदेश वाले इंडिया के फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं किसी कंपनी के अंदर और वो 10% से ज्यादा उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, 10% से ज्यादा उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं, है ना, वो कंपनी में उनके पास पावर होगा, मैनेजरियल पावर होगा कि क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा, वो कंपनी में वो पार्टनर बनेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। तो वैसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि 10% से ज्यादा शेयर अगर कंपनी में शेयर्स को खरीदते हैं तो उनके पास मैनेजरियल कंट्रोल होगा, वो डिसीजन ले पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तुरंत नहीं, ये सोच करके आते हैं कि नहीं हमको 4-5 साल रहना है इस पे, इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, वैसे इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जिसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए आना चाह रहे हैं। ओके, आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्टेड, ये बिजनेस इंटरेस्ट से आते हैं कि हमें बिजनेस उस इंडस्ट्रीज के अंदर करना है। नेक्स्ट वन इज एक्टिव इन्वेस्टर, ये होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं कि इनका एक्टिव रोल होता है उस कंपनी के अंदर डिसीजन में, दैट इज नोन एज एक्टिव इन्वेस्टर, ठीक है ना, देयर फॉर कंट्रोलिंग कंपनी। नेक्स्ट वन इज ये वोलाटाइल नेचर का नहीं होता है, मतलब एफडीआई पैसा लेकर के बाहर वाले आए इंडिया के अंदर डॉलर लेकर के और ये रुपीस का डिमांड करेंगे, दो हमको इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी खोलना है, तो ये कंपनी खोलेंगे तुरंत, ये नहीं कि 1 महीने के अंदर कंपनी बंद करके निकल दी, 5 दिन के अंदर कंपनी बंद करके निकल दी, वो लंबे टाइम के लिए आते हैं जिस कारण जो वोलाटाइल होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर वो कम होता है, समझ रहे हो ना, तो वोलाटिलिटी जो है वो कम होता है। नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नेचर का बता चुके हैं, जो शेयर 10% से ज्यादा खरीदते हैं, ओके हाँ, साथ ही साथ मैनेजरियल पावर होता है, तो ऐसे को कहते हैं एफडीआई, मतलब कोई कंपनी खोलना चाहता है बाहर से आकर के, कोई कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा शेयर खरीद रहा है फॉरेनर, ठीक है ना, तो हम कहेंगे एफडीआई हमारे कंट्री के अंदर आया है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है, कोई इन्वेस्टर है,
वो किसी कंपनी के अंदर सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर आए और वो शेयर्स को खरीदे और 10% से कम शेयर को खरीदे, 10% से कम शेयर को खरीदे, तो वैसे इस कंपनी को हम क्या कहेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो FPI। ओके, अब ये जो है ये मैनेजरियल पावर कम, ये बिजनेस एक्टिविटीज में विश्वास नहीं करते, ये अपने प्रॉफिट के मकसद से आते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जहां अच्छा उनको दिखा और प्रॉफिट कमा करके निकल लेते हैं। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आए कि ये कभी भी निकल सकते हैं, आज लगाए कल वो शेयर निकाल ले, शाम को ही निकाल रहे, तो ये चीज है। फिर आता है ये हाईली वोलेटाइल होते हैं क्योंकि इसमें तुरंत डॉलर आ रहा है डॉलर जा रहा है, ठीक है ना, तो वोलेटिलिटी जो है वो एक्सचेंज रेट में ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट वन इज ये पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। ये जो है पैसिव इन्वेस्टर का मतलब ये एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है कि हमें कंपनी के अंदर कंट्रोल वो देखेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल होगा, नहीं, पैसिव इन्वेस्टर है, कंपनी अपना जो काम है करेगा, ठीक है ना, हम जो है वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे, हमारा कोई रोल नहीं है कंपनी के अंदर, दैट इज पैसिव इन्वेस्टर। उसके बाद आता है दैट इज परसेंटेज ऑफ शेयर, मतलब कुछ परसेंट वो शेयर खरीदते हैं दूसरे कंपनी का, दैट इज FPI। तो FDI FPI का डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए, 10% से ज्यादा शेयर FDI, 10% से कम FPI। मैनेजरियल पावर का कंट्रोल करना FDI, इसके अंदर नो मैनेजरियल पावर नो कंट्रोलिंग, ये एक्टिव ये पैसिव, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आता है, वोलाटाइल नेचर का FPI, नॉन वोलाटाइल नेचर का FDI, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर FDI, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर FPI। सो दिस इज योर बेसिक FPI एंड FDI। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन अगर आपको बात करते हैं FDI का क्या है, तो वही जो मैंने आपको बताया है, वही डेफिनेशन है कि FDI फ्लो रिप्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड अब्रॉड ब्रिंगिंग टुगेदर विथ अ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी मैनेजरियल, ठीक है ना, मतलब ये सब लाते हैं FDI वाले, है ना, दैट इज कैपिटल बाहर से लाएंगे, अपना मशीन लाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप लाएंगे, इंसान जो होगा फर्म में वर्क करने वाले वो लाएंगे, टेक्नोलॉजी वो अपने फर्म के लिए लाएंगे, तो ये सारा चीज, ठीक है ना। और इनका जो है वो मार्केट एक्सेस होना चाहिए डेवलपिंग नेशन के लिए, ये जरूरी होते हैं डेवलपिंग नेशन के लिए, FDI जो है वो जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओवरव्यू एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी रिजिम, क्या ओवरव्यू है और एवोल्यूशन, दैट इज सेकेंड टॉपिक, दैट इज ओवरव्यू क्या है पूरा FDI का बताइए, एवोल्यूशन कैसे एवोल्यूशन हुआ FDI का, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1950-1960s के अंदर, तो पहला हमारा इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन आपका आता है रिफॉर्म, दैट इज 1948 के अंदर, उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर बात किया गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, प्राइवेट वाले का कंट्रीब्यूशन होगा, जहां प्राइवेट वाले काम नहीं करेंगे वहां पे गवर्नमेंट काम करेगी, तो ये कहा गया, जिसके कारण थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड था, है ना, टेक्नोलॉजी को लेकर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह अलाउड था, तो उस टाइम जो है वो FDI थोड़ा सा ठीक था, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियल FDI ओपन फॉर टेक्नोलॉजी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, वो उस टाइम बात किया जा रहा था कैसे इंपोर्ट को कम करे, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, ठीक है ना, जिसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिए FI जो था वो ओपन था 50-60 के अंदर। फिर 60 से 80 तक सेकेंड जो आपका आता है इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन प्लान वो कब आता है, दैट इज 1956, इसके अंदर बात किया गया PSU वगैरह बनाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे और इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया और इसको स्टेट डोमिनेंस के हाथ में आया, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा आना स्टार्ट हुआ, कंट्रोल रिजिम आना स्टार्ट हुआ प्राइस के ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर, ठीक है ना, सभी चीज के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, सारा चीज के ऊपर कंट्रोल होगा सरकार का, स्टेट तय करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, प्राइवेट वाले को बंद किया गया, इस कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ, 60 से 80 के बीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल नो कहा गया, दैट इज नो टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मोर रिस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड FDI, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को भी पास किया गया, फेरा 1973 के अंदर पास किया गया, जिसके कारण कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट 60 से 80 के बीच में नहीं हुआ। फिर 80 से 90 के बीच में आपका, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे कमिटीज के द्वारा कहा गया कि नहीं
जो प्राइवेट को आपने बंद कर रखा है, जो पीएसयू के ऊपर आप फोकस है, जिसके कारण इकोनॉमी आपका इनिफिशियंट तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है ना। इसलिए सरकार जो है कदम उठाई और थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउड की, किसमें, एमएनसी सेक्टर के अंदर, कि एमएनसी सेक्टर में दैट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यहाँ आकर के खोल सकते हैं, तो थोड़ा सा अलाउड किया गया, थोड़ा सा लिबरल पॉलिसीज अपनाया गया प्राइवेट सेक्टर को लेकर के। तो दैट इज कि 80 से 90 के बीच में जो है वो पहला पार्ट में जो इंदिरा गांधी थे उसमें लिबरल, साथ में एमएनसी को अलाउड किया गया। फिर आपका 85 में फिर आप कहा जाते हैं कौन, राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस किए कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज करना है, पीएसयू के अंदर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। और इसके लिए क्या चाहिए था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से चाहिए था टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउड किया गया, ठीक है ना। सो दिस इज कि आपका 80 से 90 के बीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अलाउड किया गया, थोड़ा सा लिबरल सोच का पॉलिसीज को अपनाया गया, ठीक है। हाँ, FI इज अलाउड टू MNC एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अब बात आता है 1991 के बाद क्या हुआ। 1991 में आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद आपका जो पॉलिसीज है वो लिबरल हुआ, है ना, कि एक्सचेंज रेट को डीरेगुलेट किया गया, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया, ठीक है ना, जितने भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, तो लिबरल ट्रेड पॉलिसीज को अपनाया गया। उस इस रिफॉर्म के अंदर क्या बात किया गया, दैट इज कैपिटल मार्केट हो, एक्सचेंज रेट हो, ये सब के अंदर डीरेगुलेशन किया गया। उसके बाद ये सब में कहा गया दैट इज ऑटोमेटिक क्लियरेंस ऑफ FDI प्रपोजल, मतलब FDI कोई अगर इंडिया के अंदर करना चाहता है दैट इज ऑटोमेटिक क्लियरेंस होगा, ठीक है ना, बहुत कम टाइम के अंदर उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। उसके बाद दैट इज योर ओपनिंग ऑफ द न्यू सेक्टर, नया सेक्टर जो है वो FDI के लिए ओपन किया गया, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम्युनिकेशन, तो ये सब सेक्टर में भी अब FDI इन्वेस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ऑनरशिप अप 200%, मतलब कोई अगर कंपनी के अंदर फॉरेन जो ऑनरशिप है वो 100% तक हो सकता है, ठीक है ना, परमिटेड इन द मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद बात आता है कि कितना FDI जो भी है वो ओपन किया गया है टेलीकॉम्युनिकेशन के लिए 100%, इंश्योरेंस के लिए 49%, डिफेंस के लिए 26%। तो ये 2014 के टाइम जो है वो आपका ये था हाल कि FDI टेलीकॉम्युनिकेशन में 100 था, डिफेंस में 49 था, इंश्योरेंस के अंदर सॉरी इंश्योरेंस के अंदर 49, डिफेंस के अंदर 26% जो है वो ओपन था FDI, बाहर वाले इन्वेस्ट कर सकते इतना परसेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अब जो है वो अलाउ किया गया FDI को मल्टी ए ब्रांड रिटेल एंड सिविल एविएशन के अंदर, मतलब कोई अगर एप्पल है उसको अलाउ किया गया इंडिया के अंदर, की कर टेस्ला है अलाउ किया गया कि आप खोल सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। साथ ही साथ सिविल एविएशन के अंदर कोई अगर कोई सिविल एविएशन दैट इज एरोप्लेन वाले सेक्टर के अंदर अगर कोई चाहे इन्वेस्टमेंट करना वो कर सकता है फॉरेनर, ये चीज़। फिर जो FI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, FPI को, FPI को पहले कहा जाता था FII, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनका काम होता है स्टॉक मार्केट में आए और गए इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। तो वो अब अलाउड थे कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर अब वो ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, प्राइमरी मार्केट दैट इज IPO, इसके अंदर वो अब ट्रेड कर सकते हैं, अलाउड थे, ठीक है, 1992 के अंदर ये अलाउ कर दिए गए थे। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी गवर्निंग आउटवर्ड FDI हैज बिन लिबरलाइज्ड, मतलब अगर कोई कोई फर्म है वो बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, बाहर कोई कंपनी खोलना चाहता है, कोई कंपनी फॉरेन कंपनी को हथियाना चाहता है, तो वो अलाउड है, ठीक है ना, दैट इज आउटवर्ड FDI इज अलाउड, ठीक है। अब जो इंडियन इन्वेस्टर थे उनको अलाउ किया गया कि वो 100% ऑनरशिप बाहर की किसी कंपनी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज तो बेसिकली आपका क्या है, लिबरल सोच का पॉलिसीज अपनाया गया 1991 के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, है ना। साथ ही साथ एक्सचेंज रेट को डीरेगुलेट, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट, कैपिटल मार्केट को डीरेगुलेट, है ना, FDI इंक्रीज किया गया सभी सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम्युनिकेशन में 100, इंश्योरेंस में 49, डिफेंस में 26, सिविल एविएशन को भी ओपन किया गया, रिटेल सेक्टर के अंदर भी कर सकता है, कोई ब्रांड में भी चाहे तो कर सकता है, जो आउटवर्ड है जो FDI जो आउटवर्ड होगा उसको भी किया गया, 100% बाहर कोई फॉर्म को खरीद सकता है। सो दिस आर द पॉलिसीज मेजर दैट आर टेकन आफ्टर इकोनॉमिक
रिफॉर्म फॉर एफडीआई। ओके, अब करंट की बात करते हैं, तो करंट के सिनेरियो में क्या है एफडीआई में? तो अगर कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एफडीआई 100% अलाउड है, 100% अलाउड, ठीक है ना, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ई कॉमर्स की बात करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब जो है उसके अंदर 100% एफडीआई अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो जो पहले 49% था, इसको 25% और बढ़ा करके 74% कर दिया गया। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर, जो पहले आपका 26% था, उसको बढ़ा करके आपको 74% कर दिया गया, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस और डिफेंस सेक्टर को ओपन ज़्यादा किया गया एफडीआई के लिए, लिमिट को बढ़ाया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कितना, 49% पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एफडीआई अलाउ है। ओके, अब बात आता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंडिया की जैसे कंट्री की अगर बात करें, तो इंडिया के कंट्री के अंदर एफडीआई को लेकर के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। क्या इंडिया की जो इकोनॉमीज है उसके अंदर एफडीआई अप्रोच अगर आना है तो उसके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है हमारी इकोनॉमी में? तो अगर अच्छा की बात करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में मिडिल क्लास जो लोग हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा हैं, जो कि अच्छा बात है ना, जिसके कारण डिमांड ज़्यादा होगा मिडिल क्लास के थ्रू, और वो प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट को मिडिल क्लास को सेल कर पाएंगे, तो एफडीआई के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज कॉम्परेटिव एडवांटेज इन नॉलेज बेस्ड, मतलब कि लोअर स्किल्ड जो लेबर हैं वो जो है इंडिया के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है, दैट इज कॉम्परेटिव एडवांटेज। थर्ड वन इज लेबर इंटेंसिव गुड, मतलब लेबर इंटेंसिव गुड की अगर बात करते हैं, लाइक टेक्सटाइल, लाइक क्लॉथ्स, है ना, तो लाइक लेदर, तो ये सब के अंदर ये लेबर इंटेंसिव है, और ये सब के अंदर इंडिया के अंदर पोटेंशियल है कि अगर कोई एफडीआई लाते हैं या और खोलते हैं कंपनी, तो अच्छा वो एक्सपोर्ट या यहाँ पर अच्छा वो ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रैपिड ग्रोथ, इंडिया के अंदर जो है हाल के सिनेरियो में जो ग्रोथ है वो लगातार तेज तेजी से हो रहा है, मतलब 6-7% लगातार हो ही रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण अच्छी बात है एफडीआई आना, अच्छी बात है, ग्रोथ ज़्यादा होगा तो एफडीआई ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो कंट्री अच्छा कर रहा है तो और अच्छा उसके अंदर इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिंग मार्केट साइज, इंडिया का मार्केट साइज जो है वो बड़ा है, इंडिया में पॉपुलेशन बड़ा है ना, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, मार्केट साइज भी ज़्यादा है, इस कारण प्रोडक्ट को सेल ज़्यादा लोगों तक कर सकते हैं, तो एफडीआई के लिए एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है एफडीआई के लिए, इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, पुअर है, पुअर है, लाइक रोड एंड रेलवेज, लाइक आपका आपका स्टोरेज, लाइक लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो पुअर है। नेक्स्ट वन इज लेवल, लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, आज भी इंडिया के अंदर 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो गाँव के अंदर रहते हैं, जिस कारण अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर कम है ना, जिसके कारण जो डिमांड है वो कम हो पाता है, ठीक है ना। बेसिक गुड्स का डिमांड इंडिया के अंदर ज़्यादा है और ड्यूरेबल गुड्स का इंडिया के अंदर डिमांड कम है, इसलिए एफडीआई के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट वन इज जोग्राफिकल एंड कल्चरल प्रॉक्सिमेट, मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है, अलग अलग, हर एक 20 किलोमीटर के अंदर लैंग्वेज और कल्चर डिफरेंट हो जाता है इंडिया के अंदर, इसलिए कोई भी आप स्पेसिफिक गुड की बात करते हैं तो आपका किसी स्टेट के अंदर बिक रहा है, दूसरे स्टेट के अंदर वो गुड नहीं बिक रहा है, क्योंकि वहाँ का कल्चर वो फॉलो नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये डिफरेंसेस होने के कारण एफडीआई को प्रॉब्लम होगा इंडिया के अंदर आने में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज योर, हमने दो टॉपिक अपना कर लिया, पहला आपका टॉपिक था दैट इज पूरा बताइए क्या है, डेफिनेशन वगैरह बताइए, दूसरा आपका टॉपिक था ओवरव्यू बताइए, तीसरा है ट्रेंड, एफडीआई में ट्रेंड क्या है इंडिया के अंदर, तो चलिए देखते हैं। तो एफडीआई जो है वो बेसिकली जो काम करना स्टार्ट किया, ज़्यादा जो एफडीआई का रोल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, वो कब इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 2005 से, 2005 से एफडीआई का रोल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो 2005 की का अगर बात करते हैं, तो एफडीआई हमारा कितना था, 7.6 बिलियन, 7.6 बिलियन आपका 2005 के अंदर था, ठीक है ना। 2006 के अंदर कितना हो जाता है, 20 बिलियन, 7 से 2.5 गुना 3 गुना इंक्रीज कर गया, समझ रहे हो। 2007 की अगर बात करते हैं, 2.5 गुना ज़्यादा है। 2007 की अगर बात करते हैं, देख सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट है आपका, यहाँ से आप डाटा देख सकते हैं।
उसके बाद 2008 की अगर बात करते हैं तो कितना, 20 से सीधे 47 पे चला गया। तो यहाँ देख सकते हैं 2005 के अंदर कितना था आपका, 7 बिलियन। 2006 के अंदर कितना हो गया, 20 बिलियन। 7 के अंदर कितना रहा, कांस्टेंट रहा, लगभग कांस्टेंट रहा, थोड़ा सा डिक्रीज किया बस, ठीक है ना, 19 बिलियन के आसपास। 2008 के अंदर कहाँ चला गया, 48 बिलियन के आसपास। 2009 के अंदर क्या हुआ आपका, 2009 में थोड़ा सा बिल्कुल डिक्रीज किया, थोड़ा सा। और 2010 के अंदर क्या हुआ आपका, देखिए बिल्कुल ये डिक्रीज कर गया एक साल के अंदर, 47 से आपका कितना आ गया, 47 बिलियन से आपका आ गया 27 बिलियन, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रेंड रहा है एफडीआई के, एफडीआई का 2005 से लेकर के 2010 तक का, कि 2005 इनिशियली 2005 से 2008 तक अगर बात किया जाए तो क्या किया एफडीआई, इंक्रीज किया। लेकिन 2008 के बाद की बात किया जाए तो एफडीआई क्या किया, डिक्रीज किया। ये जो इनफ्लो है एफडीआई का 2005 से 2008 इंक्रीज किया, आप देख सकते हो 8 तक इंक्रीज किया, लेकिन उसके बाद डिक्रीज किया, ठीक है। हाँ आप नीचे यहाँ पे डेटा भी देख सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर एफडीआई में इनफ्लो का इंडिया का कितना शेयर है, ठीक है ना। वो वर्ल्ड का टोटल दे रखा है कि वर्ल्ड के अंदर कितना एफडीआई है, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है उतना डाटा। उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर कितना था, ठीक है ना, साउदर्न इकोनॉमी के अंदर कितना था, ठीक है, एशियन इकोनॉमी के अंदर कितना था एफडीआई का परसेंटेज वर्ल्ड का ये। लेकिन इंडिया का कितना था शेयर, इंडिया का शेयर अगर आप देखते हो तो 2005 के अंदर था 0.8%, मतलब वर्ल्ड में जीरो, पूरे टोटल वर्ल्ड का 0.8% जो एफडीआई है वो इंडिया के अंदर आ रहा था, जो 5 से आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो देख सकते हो 0.8 से 1.4, 1.4 से थोड़ा सा कम हुआ था, है ना, दैट इज 7 के अंदर थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 8 के अंदर बिल्कुल इंक्रीज कर गया था, 47 पे चला गया था। तो देख सकते हो शेयर जो है 1.3 से 2.6 हो गया, डबल हो गया, डबल, समझ रहे हो, डबल। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, 2.6, फिर 2009 के अंदर थोड़ा सा ठीक था, कांस्टेंट था 2.6, लेकिन 2010 के अंदर बिल्कुल ड्रॉप हुआ था एफडीआई इंडिया के अंदर, शेयर कितना आ गया, 1.9, 1% का डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे 2% का गेन हुआ था जब 20 से 47 हुआ था। तो आप देख सकते हो 2005 के अंदर इंडिया का शेयर वर्ल्ड के अंदर एफडीआई में 0.8, 6 में 1.8, सॉरी 1.4, 7 में 1.8, उसके बाद क्या हुआ था, 2% का गेन। तो आप देख सकते हो 2% का गेन, दैट इज 1.3 से आपका कितना पहुंच गया था, 2.6, दैट इज डबल हो गया था, फिर 2.9, फिर आपका डिक्रीज होकर के आ गया 1.9 के ऊपर, समझ रहे हो। तो आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि 2005 से 2008 के बीच में एफडीआई जो है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ, कहाँ से, आपका 7 बिलियन से कितना, 43 बिलियन। और शेयर जो है आपका, आपका जो शेयर है वो 0.8 से वो 0.2.6, दैट इज ट्रिपल हो गया, ट्रिपल शेयर हो गया वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद 2008 से 10 के बीच में जो इंडिया है उसका एफडीआई जो है वो क्या किया, एफडीआई जो है इंडिया का वो डिक्रीज किया, क्या किया, डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका, नीचे भी ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि ये वर्ल्ड का, इंडिया का जो है वो शेयर है, इंडिया का शेयर। तो इनिशियली ये देखो कांस्टेंट चलता आ रहा है, 2001 2005 के बीच में ये कांस्टेंट 0.2% के आसपास चलता आ रहा है, लेकिन 2005 में क्या हुआ, इंक्रीज किया, 6 में थोड़ा सा डिक्रीज, कांस्टेंट रहा, 7 के अंदर 20 बिलियन पे पहुंच गया, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे करके 20 बिलियन पे पहुंच गया। 8 के अंदर थोड़ा सा और 2.6 हुआ, 2.3 से, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है 9, 9 में थोड़ा सा डिक्रीज किया, उसके बाद 10, 10 में तो बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ कि आपका ये ग्राफ बता रहा है कि इंडिया का क्या वर्ल्ड के अंदर शेयर है और इंडिया के अंदर क्या ट्रेड था 2005 से 2010 के बीच में, ओके। हाँ क्यों इंडिया के अंदर एफडीआई आना स्टार्ट हो गया था 2005 में, वाई, क्या रीजन था, सबसे बड़ा जो रीजन था, क्योंकि 2003 से लेके 2008 के तक इंडिया के अंदर गोल्डन पीरियड था, इकॉनमी के अंदर गोल्डन पीरियड, बहुत अच्छा इंडियन इकॉनमी वर्क की, हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था उस टाइम पे वो लगभग 9% के आसपास था, इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ रेट 11% था, सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ रेट 13% था,
तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा किया, ग्रोथ अगर ज्यादा होगा मतलब वो कंट्री अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है तो कोई भी फॉरेनर जो होगा इन्वेस्टर वो सोचेगा कि अच्छे में इन्वेस्ट करो, है ना। इस कारण फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा था, साथ ही साथ जो कैपिटल मार्केट था इंडिया के अंदर रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा था। मतलब अगर कोई $1 इन्वेस्ट किया उस टाइम पे तो 1 सालों के अंदर उसे मिल जा रहा था $1.40, $1.40, तो लगभग 40% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक तरीके से अर्न हो रहा था फॉरेन इन्वेस्टर को, ठीक है ना। इसलिए ये आपका FDI उस टाइम पे इंक्रीज किया, ठीक है ना। उसके बाद आता है FDI इनफ्लो एज अ ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल के क्षेत्र में FDI का क्या था, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कितना मशीन आया, मशीन के सेक्टर में FDI का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। तो ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से वहां पे हुआ उस तरीके से सेम तरीके से कि 2005 से 2008 तक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज किया, आप देख सकते हो 5 से इंक्रीज किया, 6 में थोड़ा सा कांस्टेंट, फिर इंक्रीज किया ये 8 में, 8 में मैक्सिमम 10.8%, जो कि ईस्ट एशियन इकोनॉमी के बराबर, ये ईस्ट एशियन इकोनॉमी का है ऊपर वाला ग्राफ, ईस्ट एशियन इकोनॉमी के बिल्कुल बराबर पहुंच गया इंडिया 2008 के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रोथ, ठीक है। लेकिन 2008 के बाद आप देख सकते हो ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। बिल्कुल, क्यों 2008 के बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्योंकि 2008 के बाद क्या आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, यूएसए के अंदर लेमन ब्रदर्स जो थे वो दिवालिया हो गए। इस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण पूरी इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट पहुंचा, स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट पहुंचा, सभी कोई अपने पैसे निकाल करके फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लेके जाने लगे सेफ होने के लिए, ठीक है। इस वजह से आपका देख सकते हो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया आफ्टर 2008, ठीक है। यही चीज देख सकते हो ऊपर के इसमें भी कि 2005 में आप देखो 2.7 से 2.9, 6 में 6.6, 7 में थोड़ा सा कम, 8 में 10.8 सबसे ज्यादा, फिर क्या आया फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर क्या आया डिक्रीज होना स्टार्ट 7.9, फिर और ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस डीप हुआ दैट इज 4.8। गेटिंग माई पॉइंट कि 2005 से 2008 तक इंक्रीज और 8 से 10 तक डिक्रीज, ये ट्रेंड चलता आ रहा है, चाहे वो FDI इनफ्लो का हो, चाहे वो ग्रॉस फिक्स्ड का हो, चाहे वर्ल्ड के अंदर FDI का शेयर का हो, सब में सेम। अब आ जाता है क्या डिटर्मिनेंट है FDI इनफ्लो का, वाट आर द डिटर्मिनेंट। तो FDI इनफ्लो कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहला मार्केट साइज, मार्केट साइज अगर जिस कंट्री का ज़्यादा है वहाँ पर FDI आने की चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मार्केट के अंदर तुरंत सेल कर पाएगा, वहाँ से प्रॉफिट तुरंत कमाएगा, कहीं और उन्हें उससे नहीं बेचना पड़ेगा, किसी और कंट्री के अंदर नहीं बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए वैसे इस कंट्रीज के लिए FDI अच्छा। नेक्स्ट वही एक्सटेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, कि वो जो कंट्री के अंदर FDI आएगा जिसमें ज़्यादा अर्बनाइजेशन है ना, अर्बन पीपल ज़्यादा है, सिटी के अंदर लोग ज़्यादा हैं, ताकि वो ज़्यादा डिमांड गुड्स की कर पाएंगे, है ना, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा वो डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही है ना, ट्रांसपोर्टेशन सही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, स्टोरेज अच्छे से कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर, है ना, तो टैक्स जो है वो कम है, तो उससे क्या होगा, अगर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी है तो FDI वाला इन्वेस्ट करना सोचेगा फॉरेनर, क्या वहाँ सही इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल प्रॉक्सिमिटी, कि अगर ज़्यादा वहाँ पे ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं लाइक इंडिया कल्चरल डिफरेंसेस है तो वहाँ पे FDI वाले कम आना सोचेंगे, है ना। जहाँ पे ज्योग्राफिकल कल्चर पूरे देश का लगभग एक है लाइक USA, लाइक यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ पे FDI जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये कंट्री का भी कल्चर सेम है, उस कंट्री का भी कल्चर सेम है, ये स्टेट वो स्टेट, तो हम ज़्यादा गुड को बेच पाते हैं, ठीक है, इसलिए वैसे देश। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी फैक्टर, कि उस देश का पॉलिसी क्या है FDI को लेकर के, टैक्स रेट क्या है FDI के ऊपर, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव क्या है उस देश के अंदर FDI को इनफ्लो को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या इंसेंटिव सरकार दे रही है, तो पॉलिसीज के ऊपर फैक्टर आता है कि FDI डिटर्मिंड होता है। नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज परफॉर्मेंस, मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब अगर आपके कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि
बाहर वाले सोचेंगे कि ये कंट्री अच्छा कर रहा है तो चलो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई इंक्रीज होगा। अगर आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कम है, महंगाई कम है, एक्सचेंज रेट सही है, वोलाटाइल नहीं है, एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है और आपका फॉरेक्स रिजर्व भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपका कंट्री का जो मैक्रो इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण सोचेंगे नहीं ये कंट्री आने वाले टाइम में स्टेबल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस कारण एफडीआई जो है वो हमारे कंट्री के अंदर इनफ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द फैक्टर जिस जिसके ऊपर डिटर्मिन होता है एफडीआई, समझ रहे हो, ये सारे जो आपका 6 फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट वन इज एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या है कि ये सिंपली रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है कि एफडीआई का क्या हाल है उस कंट्री के अंदर, ठीक है ना, ये रैंक करता है ओवरऑल, ये वर्ल्ड का रिपोर्ट है और इसके अंदर रैंकिंग प्रोवाइड किया जाती है कि उस कंट्री के अंदर एफडीआई करना सही है या गलत है, उस आधार पे रैंकिंग होता है। तो इंडिया की अगर बात किया जाए, 2003 के अंदर 6th रैंक था, लेकिन ग्रोथ इंक्रीज हुआ, एफडीआई इंक्रीज हुआ तो रैंक इंक्रीज होकर के 5 के अंदर कितना आया, सेकेंड। 5 से 8 तक रैंक कितना था, सेकेंड, लेकिन 10 के अंदर क्योंकि आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, रैंक कितना गया, थर्ड। और 13 के अंदर रैंक कितना पहुंच गया, 5। तो ये देख सकते हो यहाँ पे रैंक, आप देख सकते हो इंडिया का रैंक पहले था 3 के अंदर 6, 3, 2, 2, 3, 5, समझ रहे हो। लेकिन चाइना का अगर बात करें, हमेशा ये लगभग फर्स्ट ही रहा है, चाइना हमेशा लगभग फर्स्ट रहा है, ठीक है ना, चाइना। लेकिन ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की अगर बात किया जाए, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के अंदर सबसे ज्यादा जो एफडीआई जो आता है रैंकिंग के अंदर वो कौन है, चाइना, सेकेंड पे इंडिया, ठीक है ना, तो पहला पे चाइना, दूसरा पे इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था। हम लोग पढ़ लिए कि क्या हमारा डिटर्मिनेंट है, उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम क्या होगा और उसका सॉल्यूशन क्या है इंडिया के अंदर। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की पहले अगर बात करते हो, क्वालिटी ऑफ एफडीआई इनफ्लो, इंडिया के अंदर पहला प्रॉब्लम है क्वालिटी, जो एफडीआई का इनफ्लो होता है आता है उसका क्वालिटी। तो 90s 80s की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो एफडीआई था, क्योंकि 90s 80s में टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना, इसलिए ज़्यादातर जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आते थे वो क्या आते थे, टेक्नोलॉजी ड्राइविंग था, है ना, कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आते थे, इंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में आते थे, ठीक है ना। बल्क ऑफ एफडीआई इनफ्लो यूज टू डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डायरेक्टली लाइक टेक्नोलॉजी स्किल रिलेटेड। आफ्टर 1990 के बाद क्या हुआ, 1980 में डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एफडीआई आते थे, टेक्नोलॉजी वगैरह सब में। 1990s के बाद क्या हुआ कि आपका अदर सेक्टर को ओपन किया गया और सर्विस सेक्टर जो है वो लीडिंग था, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ ज़्यादा तेजी से हो रहा होता देन इंडस्ट्री सेक्टर, जिसके कारण जो एफडीआई जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नहीं आ रहा था, सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी आ रहा था। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं, सर्विसेज के अंदर भी आ रहा था, तो दोनों के अंदर आ रहा था। तो ये हाल था 1990s के बाद, एफडीआई इनफ्लो हैज बिन दोनों के अंदर आ रहा था, ठीक है ना, दोनों के अंदर। लेकिन चाइना की अगर बात किया जाए, चाइना 1990s के टाइम पे या जब वो अपना इकोनॉमीज को ओपन किया था चाइना, तो उस वो जो है ऐसा वो पॉलिसीज बनाया था जिससे उसका जो एफडीआई आई वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाए, दैट इज एक्सपोर्ट को जो इंक्रीज करे, जो टेक्नोलॉजी को लाए, इस तरीके से चाइना पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया था कि सर्विसेज सेक्टर में टेक्नोलॉजी या एफडीआई बहुत कम जाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ये चाइना का सोच था। सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये एक्सपोर्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एफडीआई आए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, दैट इज बल्क ऑफ द एफडीआई इनफ्लो हैव बीन डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एंड वेरी लिटिल गोइंग टू द सर्विसेज सेक्टर, चाइना के अंदर। अब इंडिया के अगर बात करते हैं, दैट इज अ पॉलिसी गाइडिंग एफडीआई इनफ्लो टू द मैन्युफैक्चरिंग हैज, हाँ ये चाइना की बात है कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो पॉलिसीज है वो गाइड करने के कारण क्या हुआ कि ग्लोबल ग्लोबल हब चाइना बना, ग्लोबल फैक्ट्री बना, है ना, एक्सपोर्ट का। ओके, नेक्स्ट वन इज आपका आता है कि पहला पता चल गया जो एफडीआई जो है
एफडीआई जो है वो इंडिया के अंदर से सर्विसेज के अंदर नहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ रहा था, जो कि चाइना के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ रहा था, इसलिए चाइना जो है वो एक्सपोर्टिंग हब बना इंडिया का, ग्लोबल हब बना। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज रैपिड राइज इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इंडिया के अंदर क्या था कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत तेजी से राइज किया। पोर्टफोलियो का मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा ला रहे थे, वैसे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज किए। और अगर एफपीआई ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म है, वो अपने फायदे के लिए आए हैं, जब मन करेगा वो निकल देंगे पैसे लेकर के, तो वोलाटिलिटी क्या होगा, ज्यादा। और अगर वोलाटिलिटी ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट में क्या होगा, वोलाटाइल, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते रहेगा। और अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो एपीआई क्या था, आपका रैपिड राइज हुआ था 2004-5 के बाद। तो अगर 2004-5 की अगर डाटा ले लेते हैं, 4-5, तो आप देख सकते हो यहाँ से 3-4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 944 यूएसडी मिलियन था आपका 2003-4 के अंदर जो आपका था। फिर 934 से कितना पहुंच गया एक साल के अंदर ही, 13, दैट इज 1377। और 1377 से ये कितना आपका इंक्रीज करके आप देख सकते हैं, दैट इज 9000 पे चला गया, 9 गुना, समझ रहे हो, 9 गुना। तो 2004-5 के बाद आपका 5 के अंदर जो है आपका 9 गुना हो गया। तो 2-3 के अंदर 944 मिलियन, 3-4 के अंदर आपको जो मैंने बोला 11377, 11377, 11377 मिलियन। 4-5 के अंदर दैट इज 9291, 5-6 के अंदर इंक्रीज किया 12। तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से एफआईआई आया इंडिया के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो कब आया, 3-4 के अंदर, देख सकते हो आप, 11000, 900 से सीधे 11000 मिलियन पे चला गया डॉलर, ठीक है। उसके बाद आपका 5-6 में भी इंक्रीज किया, 5-6 से बढ़ना स्टार्ट हो गया था, उसी तरीके से 5-6 में देख रहे हो 1200 कुछ से आपका यहाँ 6000 पे चला गया, आप देख सकते हो यहाँ पे 6000 पे, फिर 27000 पे 7-8 के अंदर, जो आपका 7-8 के अंदर आपने क्या पढ़ा था, 43% पे जा रहा था, है ना, 43% पे जा रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज किया 7-8 के अंदर भी, ठीक है ना। तो कब कब इंक्रीज किया, 3-4 के अंदर बहुत तेजी से, 5-6 के अंदर, 7-8 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका 7-8 के बाद क्या जाता है, आपका क्राइसिस आ जाता है, और क्राइसिस आने के बाद 8-9 के अंदर अगर बात किया जाए तो आपका जो एफआईआई क्या है, सभी कोई पैसे अपने लेकर के स्टॉक मार्केट से जाने लगे, जिससे एफआईआई जो है वो निगेटिव के अंदर, ठीक है ना, दैट इज 14032 मिलियन डॉलर। ओके, 9-10 के अंदर आपका क्या होता है, फिर से रिवाइव होता है, फिर से एफआईआई जो है इंडिया के अंदर इंक्रीज होता है, फिर से 9-10 के अंदर, ठीक है। फिर अगर बात करते 11-12 के अंदर अगर बात किया जाए तो क्या है, 11-12 के अंदर क्योंकि इंडियन इकोनॉमी फिर से स्लो होना स्टार्ट हो गया था, डिमांड कम हो गया था, है ना, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी स्लो होना स्टार्ट के कारण क्या हुआ, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हो 32 से 17,000 पे आ गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ओवरऑल ये डाटा है, लेकिन डाटा में आपको याद क्या करना जरूरी चाहिए कि एफआईआई जो है वो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से इंक्रीज किया 2003-4 के टाइम पे, 5-6 के टाइम पे, 7-8 के टाइम पे, फिर उसके बाद बहुत तेजी से डिक्रीज किया 7-8-9 के टाइम पे आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। उसके बाद जो इकोनॉमिक दैट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हुआ 11-12, 12-13, उस टाइम पे बहुत तेजी से डिक्रीज करना स्टार्ट किया, समझ रहे हो। तो ये चीज आप देख सकते हो कि जब आपके देश के अंदर ज्यादा एफआईआई आएगा, आपके देश के अंदर ज्यादा एफआईआई आएगा मतलब डॉलर ज्यादा आएगा, अगर डॉलर ज्यादा आएगा तो डॉलर का जो सप्लाई है वो क्या है, डॉलर का सप्लाई ऑफ डॉलर ज्यादा देन डिमांड ऑफ डॉलर। तो अगर सप्लाई अगर ज्यादा है, ये इधर की तरफ, अगर सप्लाई ज्यादा है देन डिमांड, तो आपका हालत क्या होगा डॉलर का, कि डॉलर क्या करेगा, डेप्रिशिएट, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और डॉलर अगर डेप्रिशिएट करेगा तो इंडियन रुपीज क्या करेगा, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट। तो जिस जिस ईयर के अंदर एफआईआई ज्यादा हो रहा था, उस ईयर के अंदर डॉलर की सप्लाई ज्यादा थी,
डॉलर डेप्रिशिएट किया, इंडियन रुपीस एप्रिशिएट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका 12,000 से 6,000 पे आ गया। तो इनिशियली आपका 6-7 के अंदर देखिए तो आपका था $1 इज इक्वल टू 47 रुपीस, फिर आपका 6,000 से 27,000 पे चला गया, मतलब सॉरी 27,000 दैट इज मिलियन डॉलर। तो ये 27,000, 6,000 से 27,000, मतलब कि हमारे कंट्री में FII इंक्रीज हुए। अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ डॉलर डिक्रीजेस, करेंसी डॉलर की डिप्रिशिएट, इंडियन की अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब बढ़ना। तो 47 से बढ़ करके ये कितना हो गया, 39 के ऊपर, 39। ओके नेक्स्ट वन इज, उसके बाद 27 से कितना हो गया, डिक्रीज कर गया 14, माइनस 14, मतलब कि FII अपना पैसा लेकर के जाने लगे, जाएंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ाएंगे, डॉलर की सप्लाई कम होगा, डिमांड अगर डॉलर की ज़्यादा होगा तो डॉलर क्या करेगा, अप्रिशिएट, हमारा करेंसी क्या करेगा, डेप्रिशिएट। तो हमारा करेंसी आप देख सकते हो 39 से डेप्रिशिएट करके उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 49। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिस साल में FII ज़्यादा आएगा, सिंपल बात है, FII जिस साल में ज़्यादा आएगा उस साल में जो रुपीज है वो क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, रुपीज का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और जिस साल में FII जो है वो कम होगा उस साल में जो रुपीज जो है वो क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज उसी तरीके से फिर से माइनस 14 से 32 पे आ जाता है ट्रैक के ऊपर, फिर से इंक्रीज किया, इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, इंडियन रुपीज अप्रिशिएट करेगा, तो 49 से फिर कितना, 44 पे चला गया। गेटिंग? हाँ। तो ये हाल रहा कि इनिशियली आपका कितना पे था, 47 पे, फिर आपका डेप्रिशिएट किया 39 के ऊपर, सॉरी अप्रिशिएट किया 39 के ऊपर, फिर डेप्रिशिएट किया आया 49 के ऊपर, फिर अप्रिशिएट किया आया 44 के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था क्योंकि FII जो है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा था। ओके उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडियन इकोनॉमी के अंदर आया क्योंकि बाहर जो एक्सपोर्ट है वो कम इंडिया करने लगा, बाहर लोग डिमांड कम कर रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या आया, स्लो डाउन आया, और डोमेस्टिक डिमांड भी थी वो भी कम हुई। अगर स्लो डाउन आएगा तो अगर आपका इंडिया के अंदर ग्रोथ कम होगा, अगर ग्रोथ कम है तो बाहर वाला क्या सोचेगा, इन्वेस्ट कम करो इसके अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो FII क्या आएगा, कम आएगा। तो आप देख सकते हो FII की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अगर FII कम आएगा इंडिया के अंदर तो डॉलर क्या करे, सॉरी रुपीस क्या होगा, एप्रिशिएट। FII कम आएगा सॉरी तो क्या आएगा, रुपीस डेप्रिशिएट करेगा, है ना, रुपीस की वैल्यू कम होगी। गेटिंग? तो अब रुपीस की वैल्यू देख सकते हो कम हो गया, 54 से 60, 60 से 63, 65 इस तरीके से, अभी तो 82 है, ठीक है ना। तो ये बात हुई कि FII का क्या हाल था, कि हमारे इंडिया के अंदर जो इंक्रीज किया था इनफ्लो जिस टाइम पे, उसका रीजन क्या था, ज्यादातर जो इनफ्लो है वो क्या था, FII था, है ना, ज्यादातर इनफ्लो FII के द्वारा था, लाइक 2005-06 के अंदर इंक्रीज किया, 7-08 के अंदर इंक्रीज किया, है ना, जिसके कारण हमारा करेंसी अप्रिशिएट किया। और जिस साल FII कम हुआ, लाइक इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद के टाइम पे, तो आपका करेंसी डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया। Getting? हाँ। अब बात आता है 2003 से 2012 के बीच में क्या हुआ। 2003 से 2012 के बीच में FII जो इनफ्लो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो जो है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इंक्रीज किया, है ना। प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ द मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट इन इंडेसेस, मतलब स्टॉक मार्केट जो फ्लक्चुएट कर रहा था वो क्यों कर रहा था, FII के कारण, 2003 से 2012 के बीच में। या एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट कर रहा था उसका रीजन क्या था, FII के कारण, समझ रहे हो, चाहे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है या फॉरेक्स रिजर्व अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या रीजन था, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, दैट्स लीड्स टू इन स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। तो ये FII फ्लक्चुएट करेगा, शुरू में बता चुका हूँ, तो आपका क्या होगा, वोलाटिलिटी ज़्यादा होगा, एक्सचेंज रेट के अंदर वोलाटिलिटी ज़्यादा होगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होगा। ओके हाँ। अब देखो FII में प्रॉब्लम क्या है, FII ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है कि सर्विस बर्डन, सर्विस बर्डन का मतलब है FII क्यों आते हैं, ये कोई कंपनी तो नहीं खोल रहा है कि आउटपुट बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा, है ना, उससे टैक्स लिया जाएगा, कोई कोई ये तो नहीं बना रहा है,
ठीक है ना, कोई कंपनी तो नहीं खोल रहा है, ये आता है प्रॉफिट के मकसद से कि जाएंगे उस देश के अंदर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, फिर निकल लेंगे। तो आज अगर $1 कोई इंडिया के अंदर लेकर के आया है तो उसको आरबीआई नहीं समझेगी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो प्रॉफिट के मकसद से आया। कल वो $1.50 का डिमांड करेगा, समझ रहे हो, दैट इज सर्विस बर्डन। वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सर्विस बर्डन है ना। हाँ, बिकॉज दे कम टू चेज प्राइमरी गुड रिटर्न ऑन द स्टॉक मार्केट, जो मैंने बात बताया। फिर उसके बाद हाई एक्सपोजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, मतलब अगर FII ज्यादा है, फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है, FII ज्यादा होने के कारण, लेकिन किसी भी टाइम फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो सकता है, जब FII कम हो जाएगा। कभी भी FII फ्लक्चुएशन नेचर का होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है, इसलिए जब FII कम हो जाएगा तब फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा, तो एक्सपोजर ज्यादा है, ठीक है ना। अब बात आता है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन आपका क्या है, दैट इज इंडिया जो है उसको ज्यादा रिलाई करना चाहिए FDI के ऊपर, FII के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। डॉलर अगर चाहिए इंडिया को तो FDI के ऊपर ज्यादा रिलाई करे, क्योंकि FDI जो है वो वोलाटिलिटी उसकी कम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। साथ ही साथ FDI के साथ साथ अमेरिकन डिपोजिट रिसिप्ट या ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट, दैट इज ADR, GDR के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना, या ये भी अच्छा है, या फिर NRI अकाउंट है ना, दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन का जो अकाउंट है उसके ऊपर फोकस करो। FII से अच्छा है कि NRI के ऊपर फोकस करो, GDR ADR के ऊपर फोकस करो। FDI आए तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, तो इसलिए इंडिया को FDI के ऊपर फोकस करना चाहिए, FDI FII पे नहीं। तो हम लोग अभी तक दो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो आ रहा है वो चाइना के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आ रहा था FDI, लेकिन इंडिया के अंदर सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग दोनों के अंदर आ रहा है, इस कारण इंडस्ट्री का ग्रोथ ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं हो पाया। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। दूसरा हमने पढ़ा कि FII कैसे इंडिया के अंदर है, क्या सिनेरियो था, क्यों इंडिया के अंदर डोमिनेंट फोर्स था। ओके, तीसरे, अब आपका जो नेक्स्ट वन आता है, दैट इज FDI जो प्रोजेक्ट है ना वो क्राउड आउट कुछ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको डिक्रीज करता है, क्राउड आउट करता है, आपके कंट्री से बाहर निकालता है FDI आने के कारण, है ना। तो आपका जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना उसको क्राउड आउट करता है, वो खत्म कर देता है ना, बाहर के देशों में वो लेकर के जाता है अपना प्रोडक्ट, ठीक है, इस कारण FDI जो है वो खराब है, ठीक है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज FDI इनफ्लो रिसीव बाई इंडिया हैव बिन मिक्सड टाइप, ये देखा गया कि जो FDI इंडिया के अंदर रिसीव हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि FDI आने के कारण इंडिया का ग्रोथ बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में FDI आया जिसके कारण ग्रोथ बहुत इंक्रीज किया, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। FDI आने के कारण क्या हुआ कि डोमेस्टिक फॉर्म जो है वो उनको इफेक्ट पहुंचा, है ना, उनका बिजनेस ठप हो गया, और ठप हो जाने के कारण क्या है कि आपका जो ग्रोथ है वो कम हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो कभी बढ़ रहा था ग्रोथ, कभी कम रहा था ग्रोथ, तो मिक्स्ड टाइप का फिगर था, ऐसा नहीं है कि FDI हमेशा ग्रोथ आपको इंक्रीज ही करेगा, इंडिया के अंदर ऐसा सिनेरियो था, ठीक है ना, दैट इज मिक्स टाइप, कंबाइनिंग सब इनफ्लोज, क्राउडिंग इन, कोई इनफ्लोज है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को खत्म नहीं करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं, है ना, सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर देता है, दैट इज क्राउड आउट इफेक्ट है, ठीक है ना, दैट इज, ये इंडिया के अंदर दोनों था, दैट्स वाई इट इज मिक्स्ड, मिक्स्ड आपका रिजल्ट देता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपका है, दैट इज आपका डोमेस्टिक FDI जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड, कितना डिपेंडेंट है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट FDI के ऊपर, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर, कि जिस कंट्री में FDI करना चाह रहा है उस कंट्री का गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज पहला है लोकल कंटेंट रिक्वायर्ड, लोकल कंटेंट रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज आपको लोकल लोगों को, अगर आपने कोई फॉरेन वाले फॉर्म है वो इंडिया के अंदर टेस्ला अगर है वो इंडिया के अंदर आकर के कंपनी खोला, तो सिर्फ फॉरेनर इसके अंदर इंप्लॉयज नहीं रखे, इंडियन इकोनॉमिक इंडियन भी इंप्लॉयज इसके अंदर रखे, समझ रहे हो ना, लोकल लोगों को भी रखे, उनको बढ़ावा दे, दैट इज लोकल कंटेंट। और इसका एग्जांपल है ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री,
ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हुआ कि ये इंडस्ट्रीज जो है वो लोकल कंटेंट रिक्वायर्डर को बढ़ावा दिया, कि लोगों को पता चला कि किस तरीके से कंपोनेंट की यूज़ किया जाता है ना, लोकल लोगों को भर्ती किया गया, वो लोग सीखे भी वो दूसरे को सिखाए, दैट्स वाई ऑटो कंपोनेंट में इंडिया बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज न्यूट्रलिटी, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि जितने भी FDI वाले कंपनी है, जितने भी फॉरेन कंपनी है या कंपनी है, वो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपना रिजर्व अपने पास रखे, उतना वो फॉरेन रिजर्व रखे, समझ रहे हो ना, वो उतना वो डॉलर रखे ताकि वो इंपोर्ट करे तो वो पे कर सके। तो कंपनी फॉरेक्स रिजर्व को जो है वो अपना रख सकती है, फॉरेन रिजर्व को रख सकती है, दैट इज इम्पोज कंडीशन वेयर इंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू अर्न फॉरेन रिजर्व, कमाओ और उसको इम्पोर्ट जो कर रहे हो टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल उसको पे करो उसके थ्रू, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉलिसीज से क्या होगा कि आपका लोकल लोगों को इंक्रीज होगा, दैट इज आपका क्राउड इन इफेक्ट होगा, आपका आपका लोकल जानेंगे, लोकल इंडस्ट्री खुलेगी तो क्राउडिंग इफेक्ट होगा। एंड सेकेंड वन इज अगर आप क्या करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रखने का अलाउ करते हैं जिससे वो इम्पोर्ट खुद कर सकेंगे, है ना, जितना मन चाहेगा वो खुद इम्पोर्ट कर सकेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा कि मेरे पास डॉलर है या सरकार से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए वो भी क्राउडिंग इफेक्ट पहुँचाएगा इफेक्ट। ओके, अब जो आपका आता है थर्ड फोर्थ वो क्या है, दैट इज FDI इन्फ्लो इज नॉट कमिंग इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। FDI जो इंडिया के अंदर है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन के अंदर नहीं है, चाइना के अंदर जो है वो FDI जो आता है वो 55% जो FDI है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ डेडिकेटेड है, 55% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, मतलब 55% सॉरी जो चाइना के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का वो FDI के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर पॉलिसीज अपनाया गया था जिससे FDI हो सकता है प्रथम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, इंसेंटिव दिया गया, पॉलिसीज को इजी किया गया, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया दिया गया, ठीक है ना, कि फॉरेन फर्म आए खोले, लाइक एप्पल कहाँ होता है, आप देखते होंगे एप्पल के प्रोडक्ट पे असेंबल्ड इन चाइना, या कोई भी प्रोडक्ट की अगर मोबाइल फोन की लेते हैं असेंबल्ड इन चाइना, तो कंपोनेंट की अगर बात करें असेंबल्ड इन चाइना, तो चाइना जो है वो 55% जो है आपका FDI के थ्रू जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन है FDI का। उसके बाद जो चाइना का 80% जो है, चाइना को जो 80% जो आपका आता है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट, मतलब 80% FDI जो आ रहा है चाइना के अंदर वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट की तरफ चाइना के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उस सेक्टर में FDI आ रहा है। लेकिन इंडिया की अगर बात करते तो इंडिया उससे पहले और चाइना के अंदर जो है वो 23 मिलियन जॉब क्रिएट किया है FDI। FDI इन चाइना की सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ है ना, आप देख सकते हो 55% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 80% जो है वो FDI जो जाता है किधर की ओर, एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ जाता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सपोर्ट सेक्टर, है ना। उसके बाद जो चाइना के अंदर था पॉलिसीज वो क्या था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड FDI। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड FDI होने के कारण क्या होगा, इट हेल्प इन ब्रिंगिंग वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी, मतलब एक्सपोर्ट के पर्पज से आपको FDI करना है, आइए चाइना के अंदर बिल्कुल आप खुला छूट है, टेक्नोलॉजी लाएंगे चाइना के अंदर, वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा थोड़ा कुछ दिनों के बाद, सब लोग जान पाएंगे, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगा चाइना का। नेक्स्ट वन इज क्राउडिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, है ना, कि बाहर वाले आएंगे हमारे अंदर टेक्नोलॉजी को लाएंगे जिससे क्राउडिंग होगा, दूसरे इंडस्ट्री वाले को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा। ओके, हाँ, अगर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का क्या है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या नहीं FDI, तो इंडिया के अंदर जो है वो चाइना की तरह केस नहीं था, चाइना के अंदर 80% जो FDI है वो एक्सपोर्ट की तरफ ओरिएंटेड था, लेकिन इंडिया के अंदर मात्र 10% जो है वो FDI जो एक्सपोर्ट की तरफ ओरिएंटेड है, वनली 10%, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, वनली 10% शेयर ऑफ फॉरेन एफिलेट इन एक्सपोर्ट, अराउंड 10%। क्यों, क्या क्या दिक्कत,
दैट इज होस्ट कंट्रीज पॉलिसीज, होस्ट कंट्रीज पॉलिसीज के अंदर पहुंचाता है। क्योंकि चाइना के अंदर कहा गया था एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था कि ये कंपनी को इतना एक्सपोर्ट करना ही करना है, उसको लिमिट दिया गया कि इतना आपको एक्सपोर्ट करना है हर साल आपको करना है, मैंने आपको इन्वायरमेंट दिया है, आपको टैक्स फ्री किया है, ठीक है ना, आपको इजी बनाया, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको क्या इतना कम से कम आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है चाइना से, तो ये लिमिट था। लेकिन चाइना इंडिया के अंदर ऐसा कोई लिमिट नहीं था। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो पहला, इंडिया डज नॉट इम्पोज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, पहला। दूसरा, दैट इज नो कंडीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज न्यूट्रलिटी। इंडिया चाइना के अंदर था वो फॉरेन एक्सचेंज न्यूट्रलिटी था कि कंपनी वो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकता है और इम्पोर्ट पर्पस के लिए उसको यूज कर सकता है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था कि कंपनी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन जो अर्न नहीं कर सकता फॉरेन करेंसीज को। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो जो प्रॉब्लम है उसको उल्टा कर दो, वो सॉल्यूशन है। जो चाइना के अंदर हुआ वो काम करो, दैट इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसको लगाओ कि ये FDI है, इसको इतना एक्सपोर्ट आपको इतना एक साल के अंदर करना है, ठीक है ना, उसको लिमिट बताओ, है ना, जिसके कारण जो बहुत सारे कंट्री है, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो सब जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इम्पोज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जो मैंने आपको बात कर रखा है। उसके बाद क्या, जो कंपनीज को है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने की छूट दिया जाए। छूट से क्या होगा कि उनको जितना इम्पोर्ट करना है तो सरकार से वो पैसे नहीं मांगेंगी, वो खुद सोचेगी कि मैं ज़्यादा बाहर बेचूंगा तो ज़्यादा मेरे पास फॉरेन करेंसीज होगा, डॉलर होगा, तो मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी या कहीं बाहर से इम्पोर्ट रॉ मटेरियल को हम इम्पोर्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो इस कारण जो है आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, दैट इज योर व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज न्यूट्रलिटी की कंडीशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज न्यूट्रलिटी इंडिया के अंदर छोड़ दो, समझ रहे हो। तो ये दो काम करो जिससे आपका इंडिया के अंदर FDI आएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर की तरफ। पहला जो है वो आपका है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगाओ, दूसरा आपका है दैट इज न्यूट्रलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज न्यूट्रल, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम आता है दैट इज डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इंडिया के अंदर जो है वो जो बाहर FDI वाले अगर आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, लेकिन उसको क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई इंडियन फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कोई जो इंडियन फॉर्म है वो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, दैट इज़ योर पेरेंट, है ना, पेरेंटल कंट्रोल लगा देते हैं कि सिर्फ फॉर्मीज का यूज़ कर सकते, और अगर कोई यूज़ करेगा तो वो इलीगल होगा, ठीक है। इस कारण टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के अंदर स्प्रेड अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है इधर हाल के दिनों में, ठीक है। हाँ, 90s 80s के टाइम में ये नहीं था चीज़, लेकिन अब के आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म ये चीज़ देखा गया है कि जो FDI आती है फॉर्म लाइक एप्पल अगर आ रहा है इंडिया के अंदर, तो वो क्या करेगी, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या पैटेंट राइट लगा देगी कि और कोई नहीं यूज़ कर सकता, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इफेक्ट पहुंचेगा, वो क्राउड आउट होने लगेंगे। ओके, हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपका आता है दैट इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि लगाया जाए कि एप्पल अगर आप हैं काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आपको इतना लोकल लोगों को हेल्प लेकर के आपके कंपनी के अंदर काम करेंगे लोकल, कम से कम 50% लोकल लोग होना चाहिए, ठीक है ना, उनको आपको बताना है, उनको आपको सिखाना है, ठीक है ना। तो ये पहला चीज़, दैट इज मोर इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, साथ ही साथ जो है आपका साथ ही साथ आपका क्या है कि लाइक ट्रांसफरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉलेज शेयर होने से क्या होगा, आपका डोमेस्टिक इंटरप्राइज जो होगा वो आपका ग्रो करेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो इसका है इंडिया टू व्हीलर इंडस्ट्रीज। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हुआ कि इंडिया ने फॉरेन कंट्री के जो थे टू व्हीलर यूरोपियन कंट्री के जो कंपनी थे उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया, ज्वाइंट पार्टनरशिप किया, और इंडिया के अंदर वो क्या करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे, वो टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा था, और इंडिया के फॉर्म जो है वो एक और टेक्नोलॉजी को जान गई तो इतना प्रोडक्शन करने लगे कि उसी उसको भी पीछे छोड़ दिए, समझ रहे हो। तो ये आपका सक्सेस स्टोरी है कि ये क्या हुआ कि हम दूसरे को टेक्नोलॉजी को शेयर करना है, ठीक है ना। आपको कम से कम आपको लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, लोकल लोगों को आपको भर्ती करना है, नौकरी देना है, सिखाना है,
ठीक है, दैट इस तरीके से आपका इंक्रीज होगा टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर। अब आता है एफडीआई आउटफ्लो। एफडीआई आउटफ्लो का क्या ट्रेंड था? इनफ्लो का तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख चुके, आउटफ्लो का क्या था? तो आउटफ्लो की बात करते हैं तो 2006 के अंदर जो है आउटफ्लो था 14 बिलियन का, 14 बिलियन 2006 के अंदर आप देख सकते हो। लेकिन 2007 के अंदर क्या हो गया? 20 बिलियन। 2007 के अंदर आप देख सकते हो 20 बिलियन, ठीक है ना। तो मतलब एक सालों के अंदर ही बहुत तेजी से आउटफ्लो जो है इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जाना बहुत तेजी से स्टार्ट हुए 6-7 के टाइम पे। ओके, जब हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा था तब। हाँ, क्यों क्यों ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुए? वाई? क्योंकि जो लार्ज कंपनीज इंडिया के अंदर थे वो एक्वायर करना चाह रहे थे जो बाहर के लार्ज कंपनी, जो ग्लोबल का लार्ज कंपनी है, लाइक यूएसए का कोई अगर लार्ज कंपनी है तो उसको एक्वायर करना सोच रहे थे ताकि वो ग्लोबल लेवल पे जा सके, है ना। तो क्यों वो कर रहे थे? क्योंकि इंडियन एंटरप्राइज जो है ना वो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट इस कारण कर रहा था ताकि वो एक्वायर कर सके लार्ज कंपनी को, है ना। क्यों? क्योंकि उनका ब्रांड नेम, उनको एक ब्रांड नेम मिले, जो वो ब्रांड का वो कंपनी था उनका ब्रांड नेम मिल जाएगा। दूसरा, प्रोपर्टिकल नॉलेज नॉलेज मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी उस कंपनी का, एंड ग्लोबल मार्केटिंग। कि ग्लोबल मार्केटिंग अगर इंक्रीज करना है तो आपको फॉरेन फर्म जो अच्छे अच्छे हो उन्हें खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना, मार्केटिंग पर्पस के लिए। तो इस कारण लोग खरीद रहे थे, आपका आउटफ्लो इंक्रीज किया। एग्जाम्पल आपका है टाटा स्टील, स्टील जो है दैट इज कोरस को खरीदा, टाटा मोटर्स इसने इसने खरीदा किसको, दैट इज जगुआ, जगुआर लैंड रोवर को खरीदा, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है कि ये बात हुआ कि एफडीआई जो है, एफडीआई आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो इंडिया के अंदर जो है वो हाल के दिनों में मतलब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है एफडीआई। और जिससे, और क्या है बेसिकली कि इंडियन फर्म जो है वो बाहर की लार्ज कंपनी को खरीद रहे हैं ताकि ताकि उनको ब्रांड नेम मिले, ताकि उनको नॉलेज मिले, टेक्नोलॉजी मिले, ताकि वो ग्लोबल कंपटीटर बन सके, गेटिंग। हाँ, तो अगर आपको ये एफडीआई आउटफ्लो को अच्छे तरीके से इंडिया के कंटेस्ट में अगर बात करना है कि इंडिया के लिए अच्छा क्या होगा एफडीआई आउटफ्लो, कि जब हमारे जो बड़े फर्म थे टाटा बाहर जाकर के खरीदा, ठीक है ना, लाइक लैंड रोवर खरीदा, लाइक जगुआर की कंपनी को खरीदा, तो अब क्या करेंगे कि उनको इंसेंटिव देंगे कि आप आओ इंडिया के अंदर जगुआर बनाओ, लैंड रोवर बनाओ, जमीन देंगे, इंसेंटिव देंगे उनको कि आइए, आपको पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है ना, टाटा स्टील साहब आप प्रोडक्शन करिए लैंड रोवर का, जगुआर का, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या कहते हैं कि इनिशियली जब वो बच्चा था तो सरकार उसको हेल्प कर रही है, जब इन्फेंट स्टेज में था, बच्चा था, तो माँ बाप उनका केयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अपने पैर पे खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो माँ बाप केयर करना थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो खुद अपना केयर कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही सरकार का पॉलिसीज होता है कि इनिशियली जब स्टार्ट किया होगा जगुआर लैंड रोवर का प्रोडक्शन तो सरकार केयर कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन अच्छा हुआ होगा सरकार केयर करना बंद कर दिया होगा। और इसी चीज को क्या कहते हैं? इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन, इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। मतलब बच्चा है तो प्रोटेक्ट करेंगे, और जैसे ही बच्चा से बड़ा होगा तो हम प्रोटेक्ट करना कम कर देंगे, ठीक है। तो अगर आउटफ्लो हो रहा है, उस आउटफ्लो को फिर से इंडिया के अंदर इनफ्लो लेकर के आना है, टेक्नोलॉजी को अपने जो लोग बाहर गए हैं वो टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर के आए, इसके लिए क्या आपको इंसेंटिव, आपको इन्फेंट इंडस्ट्रीज प्रोटेक्शन उनको देना पड़ेगा, इनिशियली फेज में उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन इज पॉलिसीज सजेशन। पॉलिसी सजेशन आपका क्या है, ठीक है, यही आपका होगा नीचे। हाँ, पॉलिसी सजेशन आपका क्या है एफडीआई के अंदर? तो पहला है कि अगर कोई कंट्री लिबरलाइज्ड होता है तो एफडीआई इंक्रीज करेगा, नेसेसरी है कि हाँ लिबरलाइज होना नेसेसरी है अगर एफडीआई को इंक्रीज करना है तो। लेकिन आपका लिबरलाइज्ड होने से एफडीआई जरूरी नहीं है कि आपका इंक्रीज ही करें, है ना, नेसेसरी कंडीशन है कि एफडीआई, हाँ ठीक है आएगा, ठीक है ना, एफडीआई आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जरूरी है कि आना ही आना है, सफिशियंट कंडीशन नहीं है। तो लिबरलाइजेशन इज अ ऑफ एफडीआई इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशियंट कंडीशन ऑफ एफडीआई रिफॉर्म,
ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट वन इज आपका ओवरऑल इकोनॉमिक का क्या रिस्पॉन्स है, क्या आपका परफॉर्मेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपका कितना है, आपके कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, आपका कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आपके कंट्री में का फिस्कल डेफिसिट कितना है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो नहीं है, ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंट्री के अंदर FDI आएगा या नहीं आएगा। तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है FDI, ठीक है ना। कि अगर ग्रोथ आपके कंट्री के अंदर ज़्यादा है तो आपके कंट्री के अंदर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, समझ रहे हो ना, FDI ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये क्या है आपका, दैट इज योर सजेशन दिया जा रहा है कि पहला कि ज़रूरी नहीं है कि लिबरल होगा तो सफिशियंट नहीं है कि बिल्कुल FDI आएगा ही आएगा, ये नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है FDI के फैक्टर्स में लाने के लिए। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ FDI इनफ्लो। किस तरीके के क्वालिटी, क्वालिटी चाहे तो डायरेक्ट वाले आ सकते हैं, चाहे तो इनडायरेक्ट वाले आ सकते हैं, डेट इज पोर्टफोलियो। तो आपको क्वालिटी के लिए आपको गवर्नमेंट का पॉलिसीज का इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके के लाती है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कि आपको एक्सपोर्ट इतना कम से कम करना है ना, कि आपको इतना कम से कम एक्सपोर्ट करना है, उसके ऊपर लिमिट लगाया जाएगा कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक ऑनरशिप रिक्वायरमेंट कि आपको डोमेस्टिक जो फॉर्म है उसके अंदर ऑनर, उसमें भी आपको ऑनरशिप होना चाहिए, उसको भी आपको सिखाना है, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, डेट इज रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपका जो है कि जो आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें क्राउडिंग इन्वेस्टमेंट होगा, क्राउडिंग जिसके कारण आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री से भी एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट विद इम्प्रूव चांस ऑफ FDI क्राउडिंग, क्राउडिंग इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज अगर करना है और क्राउड आउट को अगर कम करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड FDI, है ना, कि जो भी आएगा वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड FDI आए इंडिया के अंदर तो उसे क्राउड इन होगा, है ना, क्राउड आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का सामान बेचेगा बाहर, फिर क्या होगा, वहां से पैसे यहाँ पे आएगा, फिर से इन्वेस्ट करेगा, फिर से बेचेगा, तो क्राउड इन हो रहा है, साथ में टेक्नोलॉजी दे रहा है आपके फॉर्म्स, आपके डोमेस्टिक फॉर्म्स को, तो क्राउड इन। और दूसरा क्या है, दैट इज न्यूट्रलिटी ऑफ फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज न्यूट्रलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना, ये या यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज न्यू एरिया की तरफ भी हम पुश करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो न्यू एरिया की तरफ FDI को पुश करे ताकि जहाँ पे लोकल जो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो FDI वाले प्रोड्यूस कर सके वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, रिक्वायर्ड होता है, कब, जब आपका अगर आपको नॉलेज का डिफ्यूजन करना है आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो है ना, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो नॉलेज टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजमेंट करेगा, कब करेगा, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज करेगी कि नहीं आपको जरूरी है कि टेक्निकल मतलब आपको इतना परसेंट जॉब आपको रखना ही रखना है ना, साथ में साथ आपका है दैट इज सब नेशनल सब रीजनल आपको बनाना होगा, है ना, ताकि उसमें नॉलेज शेयर हो सके, क्लस्टर क्रिएट करना होगा जिससे इंटर नॉलेज आपस में शेयर किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट है जो कि नॉलेज को इंक्रीज करती है FDI से, किस तरीके की पॉलिसीज ला के, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की 50% आपको कम से कम रखना ही है, और दूसरा कि आपको सब नेशनल या इंटर रिलीजन आपको क्या क्लस्टर बनाना है और वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बतानी है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर लास्ट जो आता है वो क्या है, राइजिंग CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंडिया के अंदर लगातार इंक्रीज करते रहता है, सिर्फ कोविड को छोड़ करके करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर BOP आप पढ़े होंगे तो उसके अंदर आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है ना, तो करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर क्या, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो दैन एक्सपोर्ट तो नॉर्मली तौर पर कहा जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जबकि एक दो चीज़ें और आती है करंट अकाउंट के अंदर, लाइक रेमिटेंसेस, लाइक गिफ्ट, है ना, तो ये सब चीज़ें आती है करंट अकाउंट के अंदर, लेकिन ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है। तो
तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट के अंदर है इंडिया में, क्यों? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है देन एक्सपोर्ट। और अगर इंपोर्ट अगर ज़्यादा कर रहा है, बाहर से आ ज़्यादा रहा है, तो वो क्या डिमांड करेगा डॉलर का? और आपका डॉलर बाहर से कम आ रहा है, तो आपके पास डॉलर एक्सपोर्टिंग जो है वो डॉलर कम आ रहा है, और जो यहाँ इंडिया में बेचे इंडिया के अंदर, और वो डॉलर का डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वहां से आप उन्हें देंगे, पे करेंगे कि हाँ, यहाँ से आपको जो रिजर्व है वो डिप्लीट करना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज को कम करने के लिए, सीएडी को अगर कम करना है, डेफिसिट को कम करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या है, एफडीआई जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर की तरफ खींचो, कि जो एक्सपोर्ट एफडीआई आ रहा है वो इंसेंटिव दो एफडीआई को, ताकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर की तरफ वो कंट्रीब्यूट करे, एक्सपोर्ट करे, उसमें पार्टिसिपेट करे, समझ रहे हैं? हाँ, तो इंसेंटिव प्रोवाइड करो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को, ताकि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। हाल ही में जो स्कीम आया है वो क्या है, पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम वो लाइक आपका सेल के अंदर, लाइक आपका सेमी कंडक्टर के अंदर, लाइक आपका बैटरीज के अंदर, तो लाइक आपका केमिकल्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो ये सब के अंदर इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया गया 13 सेक्टर के अंदर। और जिससे जो बाहर वाले हैं वो सोचेंगे कि हाँ चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकार भी यहाँ पे हेल्प कर रही है, ठीक है ना? तो एफडीआई आपका इंक्रीज होगा, जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज होगी, ठीक है? उसके बाद है कि अटेंशन, फिर दूसरा है दैट इज एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करो। एक्सचेंज रेट को वोलाटाइल नहीं रखो, उसको सबसे पहले तो न्यूट्रल रखो, ज़्यादा वोलाटाइल नेचर को नहीं रखो, और साथ में थोड़ा सा डेप्रिशिएट करो। डेप्रिशिएट करने से क्या होगा, आपके करेंसीज की वैल्यू कम होगा, और आपका करेंसी का अगर वैल्यू कम होगा तो आपके गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? तो ये होता है कि डेप्रिशिएशन होने से एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज योर, क्या है आपका, कि जो हाल के टाइम में जो फास्ट ग्रोइंग इम्पोर्ट है वो क्या है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, नॉन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट, तो ये सब जो है हाल के दिनों में जो है वो उसका इम्पोर्ट इंक्रीज कर रहा है, जो कि ये सब चीज़ों को कम करो, ये सब चीज़ों में एफडीआई लाओ, इन्वेस्टमेंट करो, है ना, एक्सपोर्ट ये सब का करो, प्रोडक्शन इंक्रीज करो, ठीक है ना, जिससे आपका डेफिसिट जो है वो कम हो सके, ठीक है? हाँ, तो ये आपका ओवरऑल था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिसेंट डाटा क्या है, रिसेंट डाटा एफडीआई का क्या है? तो एफडीआई का अगर रिसेंट डाटा की बात करें, 17-18 के अंदर 44, फिर 44, है ना, फिर आपका 19-20 के अंदर 50 हुआ, लेकिन कोविड के टाइम पे जो है आपका इंक्रीज किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोविड के टाइम इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? पहला चीज स्टॉक मार्केट, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो थी, स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा था, 4% 5% देन व्हाट आपका, अगर बात करते यूएसए, यूएसए के अंदर बात किया जाए तो वहाँ इंटरेस्ट रेट कम प्रोवाइड किया जा रहा था, इसलिए यूएस के जो इन्वेस्टर थे वो इंडिया के अंदर आकर के इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे आपका क्या हुआ कि आपका एफडीआई जो है उसका जो शेयर है वो इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो? साथ ही साथ जो है यहाँ पर पीएलआई स्कीम वगैरह लाया गया सरकार के द्वारा, और भी अदर सेक्टर को ओपन किया गया, लाइक इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस को, लाइक डिफेंस को, डिफेंस को ओपन किया गया, समझ रहे हो ना? ये सबका लिमिट 74% किया गया, जिसके कारण आपका एफडीआई वगैरह इंक्रीज हुआ, ठीक है ना? ये बात है कि थोड़ा सा अभी इंक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे डाटा के अंदर कि अभी के टाइम पे $60 बिलियन के आसपास, $60 बिलियन के आसपास है इंडिया का एफडीआई। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का 12-13 के अंदर बहुत ज़्यादा था, स्लो डाउन था इकोनॉमी के अंदर, इंपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज़्यादा देन एक्सपोर्ट, ठीक है ना? फिर मोदी की सरकार आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए डिक्रीज होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया 17 तक, लेकिन फिर से 18 से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, 18 से फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर आ गया क्या, कोविड, कोविड का पीरियड आया, कोविड के टाइम पे भी डिक्रीज हुआ पहले फेज में, फिर दूसरे तीसरे फेज के अंदर क्या हुआ,
कि लोग जो है वो डिमांड करना स्टार्ट किए, इकोनॉमी ओपन होना स्टार्ट हुआ, इम्पोर्ट होना स्टार्ट हुआ, देन एक्सपोर्ट, फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का क्या है, बढ़ना लगा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका ओवरऑल लेक्चर हुआ FDI के ऊपर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं पूछता हूं क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ओवरव्यू बताइए FDI का। नहीं बताएंगे कि 90s 50s के अंदर क्या था, 60s से 80s के बीच में क्या था, है ना, 1990 के बाद क्या था FDI के अंदर। परफॉर्मेंस बताइए FDI का, बता देना 2003 से 2008 के बीच में, 5 से 8 के बीच में इंक्रीज किया, 8 के बाद डिक्रीज किया, फिर 12-13 में स्लो डाउन आया और डिक्रीज किया। क्या आपका ओपिनियन है जो लो लेवल FDI है इंडिया के अंदर, क्यों लो लेवल FDI है? तो जो भी पॉलिसीज क्यों लो लेवल FDI है, तो उसके अंदर आप बताना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है FDI कम आता है, FII ज़्यादा इंडिया के अंदर आता है ना, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रॉब्लम है ना, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम उसको सही कैसे कर सकते हैं? तो उल्टा बोल देना कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगाओ, है ना, उसके बाद न्यूट्रलिटी फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज करो, है ना, साथ ही साथ उसके बाद जो आपका आता है कि नहीं 50% ऑब्लिगेशन है कि आपको आपको भर्ती करना है जॉब, आपका रीजनल वाले को वो, है ना, आपको टेक्नोलॉजी को बताना है दूसरे फर्म्स को, ये सब, तो वो सबसे आप परफॉर्मेंस को ट्रेंड ट्रेंड क्या है FDI के अंदर बता चुके हैं अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंस क्या है FDI का, क्योंकि FDI आने के कारण क्या होगा, आपके कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा, है ना, आपके कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपके कंट्री का GDP बढ़ेगा, दैट इज द आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द FDI, है ना, आपका आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा, टैक्स इंक्रीज करेगा, सारा चीज, ये सब चीज। ओके, नेक्स्ट वन इज ओवरव्यू बताइए, है ना, रीजन क्या है लो लेवल बात कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव बताइए FDI आने का क्या है, FDI आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, है ना, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कंट्री के अंदर आए, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, तो ये सब आपका जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। मेथड क्या है FDI आने का, दो तरीके के FDI वो बता चुका हूँ वो। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है वो बताइए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे तरीके से बता देना कि क्या क्या लाए गए, क्या क्या नहीं लाए गए, ठीक है ना, FDI के लिए, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर को कितना खुला छूट दिया गया, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर में कितना है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कितना है आपका, तो ये। फिर आपका आता है डिस्कस द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ FDI। एडवांटेज आपका क्या है मैं बता चुका हूँ आपको, और डिसएडवांटेज जो प्रॉब्लम है वो डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, लाइक आपका कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कंट्री के अंदर नहीं देता है ना, वो पैटेंट राइट लगा लेता है, तो ये चीज़। उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, है ना, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा, है ना, तो ये सब आपका करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर जाएगा, तो ये सारा चीज़। वाट आर द मेजर आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ द FDI, क्या FDI का मेजर आर्गूमेंट है? तो FDI क्या काम करता है आपका, बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो FDI बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। तो FDI सिर्फ लिबरल नहीं होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होने से उसके लिए सफिशियंट कंडीशन वो नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी अच्छा करना होगा, 3-4 तरीके जो बता रखे हैं कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना होगा और 1-2-3 चीज़ें, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन रहा और ऐसे हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा FDI तो UPSC में नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, UPSC में इससे ज़्यादा FDI नहीं पूछते हैं, जितना आपको मैंने करा रखा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ ये वीडियो का रिव्यू ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में करें कि आपको कैसा लगा, इसका ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि वो बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए, और पता चल पाता है कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम आपको पढ़ाने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।